हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी अभी मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। जल्दी जल्दी मैं सब काम छोड़ के पहले नाश्ता बनाने बैठी हूँ कि बच्चे को स्कूल जाना है। अभी तुरंत दोनों मुझे आके बोला, मम्मी आज स्कूल का छुट्टी है। अब मैंने भी फ़ोन में जो मैसेज आता वो देखा नहीं है। अभी मैं दोनों पर गुस्सा कर रही हूँ। पहले बताता तो थोड़ा मैं लेट से नाश्ता बनाते, अभी कोई खाता भी नहीं इतना जल्दी। बुक नोटबुक सब आ गया है, सब अलग अलग करके रखा है। फिर उस रूम में पीयूष अपना कर रहा है तो वहाँ उसका दिखाऊंगी। पहले इसका दिखा देती हूँ कि अपना बैग पैक करा। बुक दिखा दो ना थोड़ा सा बाबू, ऐसे तो तुमको लगा हुआ था मम्मी दिखा दो दिखा दो। टोटल बुक कितना आया है? 14 या 15। डाल लो डाल लो, सब हो गया। नोटबुक में नाम लिखा गया? कौन लिख के दिया? आपने लिखा है? टॉपी में लिखी। ठीक है, इसका आपको दिखा दिया है, अब उसका दिखाती हूँ मैं। साइंस। रुको 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 रुको। बच्चा से ज़्यादा बैग में वजन होता है ना भैया। अभी भी उसका मेरा कपड़ा जैसे सामने उतारा है वैसा वैसा रखा हुआ। अभी समेटूंगी बैठ के, क्या अभी मैं सब्जी बना के आई हूँ, आटा लगा के आई हूँ। ये अपना कर रहा है पढ़ाई, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा करो प्यूस, इतना छोटा ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा लिखता है। बुक कहाँ रखा है तुम अपना? निकाल के दिखाएगा कैसे दिखा देगा? बैग पैक हो गया तुम्हारा? नहीं हुआ, बैग पैक करेगा तभी दिखा देना, ठीक ना। अभी हम सबका नाश्ता हो चुका है, मैं बैठी हूँ यहाँ। मलाई इसका घी निकालूंगी तो मक्खन निकाल इसका निकाल रही हूँ, घी निकालने के लिए अलग बर्तन में। भैया का छुट्टी है, बाबू घर नहीं आए, वो तो हो ही नहीं सकता, इसका मन तो भैया के पास बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये आ गया है, ये अपना तरबूज खा रहा है। मैं यहाँ अपना मलाई निकाल रही हूँ। मम्मी पीयूष लक्की सब यहीं बैठे हुए हैं, मतलब कि इसी का मस्ती देख रहे हैं। ये खूब मस्ती मजाक करता था, हम सबको बहुत अच्छा लगता था, इसका मस्ती देख रहे हैं सबको। अभी मैं चली गई थी दुकान में घी निकालने के लिए, आके देख रही हूँ तो तीनों सोया हुआ है। तभी मेरा अच्छा लग रहा, तीनों सोया हुआ, नींद आ गया खेलते खेलते में तीनों को। अब मैं अपना दुकान में घी निकाल रही हूँ, क्या घर में गैस पे नहीं होता, ये भट्टी पे निकाल रही हूँ, ज़्यादा होता तो भट्टी पे निकालती हूँ। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, सब काम कम्प्लीट है मेरा। आज मेरे साथ क्या हुआ है वो मैं अभी बताती हूँ आपको।
दोनों का बदमाश का छुट्टी था, दोनों ने मुझे बताया भी नहीं छुट्टी है, मेरा ध्यान भी नहीं था क्या चीज़ का छुट्टी है क्यों छुट्टी है मेरा। सुबह मैंने नाश्ता का तैयारी कर दिया है, क्या कि स्कूल जाता तो थोड़ा जल्दी रहता है, नहीं जाता तो धीरे धीरे करते रहो। मैंने दोनों का नाश्ता, जब रोटी बना रही थी तो अपनी बहन से बात कर रही, तो वो बोल रही थी कि आज दिया का छुट्टी है। मैंने सोचा क्या चीज़ का छुट्टी है, फिर उस लड़की का तो नहीं है, फिर दोनों से पूछा तो बोला हाँ छुट्टी है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, इससे अच्छा मैं अपना पहले दूसरा काम करती फिर नाश्ता बनाती, क्या कि खाता भी नहीं है दोनों की तरह, जल्दी बना के रख दो तो क्या कर रहा है। हाँ बुक मैंने आपको दिखा दिया, दोनों का बुक आया है, जो शाम में मैंने वीडियो शूट किया था वो वाला एंड करने के बाद, तो मैंने आज लगा दिया होगा शायद, नहीं तो आगे लगा दूँगी। बुक आ गया दोनों का, पर पढ़ाई कैसा होगा वो यही जानेगा दोनों। बुक तो खूब खुश हो रहा है देख के, नया नया बुक आया है। आज गर्मी है मेरे यहाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मत सॉरी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, हल्का गर्मी है, पर क्योंकि मेरे यहाँ बाहर में लगता है वो तो अंदर में मेरे यहाँ रूम बहुत ठंडा रहता है। पंखा बंद करो ना, आवाज़ नहीं आ रहा होगा, मैं भूल गई था जैसे पंखा चालू है, मेरा ध्यान में नहीं था कि पंखा चालू है, अभी आके बैठे इसीलिए पंखा चालू था, सॉरी। क्या क्या आवाज़ कम आएगा इसमें मैं जानती हूँ। अब वो यहीं सोया हुआ है, सोया तो ये दोनों भी था, पर ये दोनों तुरंत उठ गया। हम लोग का सब काम कंप्लीट है, अभी मैं थोड़ी देर सोऊंगी, 1:30 बज रहा है। खाना पीना कब का हो गया, 12:30, खाना पीना का नाश्ता हुआ है 11:30 बजे। उसके बाद अभी सबने तरबूज काट के खाया है, और उसके बाद घी भी मेरा निकल गया, घी निकाल के मैंने रख दिया। सबसे बड़ा काम मेरा ये होता है, सबसे भारी काम होता है घी निकालना, वो भी मेरा हो गया है, निकाल के मैंने रख दिया है। अभी आराम करूँगी, अब जब सोऊँगी तो शाम में 4 बजे तक मेरा छुट्टी है। वो बाहर में छोटका सोया हुआ अभी तक, उसको नींद खूब लंबा देर तक सोता है, वो सोया हुआ हो गया 1 घंटा, सोएगा वो 2:30-3 बजे तक, उसके बाद उठेगा वो भी, पीयूष लग के उठा देगा तब। ठीक है, बाद में मिलूँगी मैं शाम में आपसे, क्या कि बहुत ज़्यादा बात हो रहा है, फ़ोन हाथ में लेने के बाद लगता है बात करते रहो जैसे कोई सामने बैठा है ऐसा लगता है। नींद मेरा बहुत ज़्यादा आ रहा है, मेरा आज पता नहीं क्यों आ रहा है इतना नींद, दवाई से भी मुझे नींद आता, जब दवाई लेती हूँ तभी बहुत ज़्यादा नींद आता है मेरा। यहाँ तीनों का बदमाशी चला हुआ है, क्या कि इसको चिढ़ाने के लिए लक्की बैठा है इसकी गोदी में, तो ये बोला मुझे भी बैठना था, इसको भी पटक लिया, अब हंस रहा है सबको बैठ के इसको देख के, आ इसको भी हंसी आ रहा है गोदी में। यहाँ सब कोई चला गया, वो भी चला गया, फिर उस लक्की जा रहा है ट्यूशन, तो इसका जो ट्यूशन टीचर है दीदी रुचि दीदी, वही इसको कवर लगा के देखी इसमें वही ले के जा रहा है। तो पीयूष अपना ट्राई कर रहा है कि मुझे लगाना आता कि नहीं, वही देखिए अपना लगाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि ये नहीं लगाएगा, इसकी दीदी लगा के देगी, इसको ले के जाएगा वहीं वहीं पे लगवा लेगा। अभी शाम के 7 बजने वाले हैं और मैं यहाँ बैठी हूँ आपसे बात करने के लिए, क्या कि शाम के समय मेरा बात होता है, मैं अकेली रहती हूँ, आपको पता है पीयूष लगी ट्यूशन जाते इस समय 6:30-7 के बीच में, और मम्मी पीयूष के पापा जा रहे हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर 3 दिन बाद कि 5 दिन बाद याद नहीं है, 3 दिन बाद शायद बुलाया था। मम्मी का दवाई भी ख़त्म हो गया, दवाई भी मतलब कि देखता कैसा देगा कैसा नहीं, दूसरा देगा कि वही देगा, और चेक करेगा कि कितना है कितना नहीं है, उस दिन तो 300 से ऊपर था शायद, अभी चेक करेगा, क्या 3-4 दिन से सब चीज़ बंद है तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क होगा। तो ये लोग दोनों जाएंगे डॉक्टर के पास, तो मैं सोच रही हूँ पहले वीडियो एंड कर देती हूँ, बात कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में आने के बाद मुझे खाना भी बनाना है, कपड़ा भी समेटना है, सबका मेरा बाकी है। अभी बच्चे खेल रहे थे तो मेरा काम उसके पीछे रहते हैं, कि उसका मस्ती मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी दोनों वो गया है यहाँ से, पीयूष लकी गया है ट्यूशन, बस अभी 6:30 बजे दोनों गया है। अब वो गया 3 बजे तो मतलब कि यहीं था, मैं अगर 2 बजे सोई थी तब यहीं सोया हुआ था,
आज जब उठी हूँ 4:30 में, तब वापस आ गया हूँ। उसका मन यहाँ बहुत लगता है, हम लोग को भी उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। शाम के समय पीयूष लेके ट्यूशन जाता तब उसको घर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मैं खाना पीना बनाने में काम में लग जाती हूँ। इसीलिए ठीक है, अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी, इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, आपका जो मेरा वीडियो देख के आपने मम्मी के बारे में इतना सोचा, मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए धन्यवाद। बहुत मतलब कि सबने सपोर्ट किया है, उसके लिए धन्यवाद। कल मिलेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।